भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय देश अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। इन रियासतों को जोड़ने का जो श्रेय दिया जाता है वो देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम आता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि देश के पहले गृह मंत्री रहे, उनके बारे में कई किस्से और कहानियां हैं। कई बार उन्हें नेहरू का प्रतिद्वंदी बताया जाता है, तो कई बार कहा जाता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते अगर गांधी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ना बनाते। इन सब बातों के बीच कई तर्क हैं, कई वितर्क हैं, लेकिन आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस किस्से के बारे में बात करेंगे जब उन्होंने देश के नागरिकों के लिए अपने एक आंदोलन को गति दी और वो अंग्रेजों से भिड़ गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खेड़ा आंदोलन की। उस समय खेड़ा डिवीजन जो कि गुजरात में आता था, वहाँ पे अंग्रेजों ने काफ़ी नाक में दम करके रखी हुई थी। वो खूब वसूली करते और भोले वाले भारतीयों पर खूब अत्याचार करते। इसके विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा आंदोलन छेड़ा और देश के नागरिकों के प्रति समर्पण दिखाते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां पर अंग्रेजों का प्रतिकार किया। गुजरात का खेड़ा डिवीजन उस समय भयंकर सूखे की चपेट में था। उस पर हैजा महामारी का प्रकोप था। बीमारी और सूखे से गांव उजड़ चुका था। गांवों में खाने के लाड़े पड़ चुके थे। सूखे से किसानों का उजड़ना और बीमारी से स्थानीय शिल्पकला के निर्माण भी मानो शून्य हो गए थे। इससे वहां का व्यापार उजड़ रहा था। ऐसे में अंग्रेज सरकार मानवीय व्यवहारों को साइड रख के वहां के नागरिकों से बार बार वसूली कर रही थी। वहां के नागरिकों से बार बार कर वसूल रही थी। इस स्थिति को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा आंदोलन प्रारंभ किया और इसमें अलग अलग ग्रामों के लोगों ने जुड़कर खूब सहभागिता की और अंग्रेजों की इस नीति का विरोध किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये परिणाम आया कि अंग्रेजों ने वहां से कर लेना बंद कर दिया। उस समय खेड़ा आंदोलन काफ़ी चर्चाओं में रहा। खेड़ा आंदोलन के बारे में आज भी खूब बात की जाती है और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व की दाद दी जाती है। खेड़ा आंदोलन के बाद भी सरदार पटेल ने कई आंदोलन अंग्रेजों के साथ छेड़े। आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये किस्सा कैसा लगा? अगर आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ कोई किस्सा ध्यान आता है तो ज़रूर हमारे साथ साझा करें। हम अगली वीडियो में इसे लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।